हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं। टीवी के बेहद ज़्यादा पॉपुलर शो नागिन 3 में डायन का रोल निभाकर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली एक्ट्रेस माहिरा शर्मा इन दिनों बिग बॉस के घर में पूरे तरीके से छाई हुई हैं। जी हाँ, बिग बॉस में एंट्री से पहले ही माहिरा टीवी का जाना पहचाना नाम है। माहिरा शर्मा जम्मू में पैदा हुई थी और वो एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। माहिरा की एक्टिंग और साथ ही साथ मॉडलिंग में बेहद खासा दिलचस्पी रही। माहिरा ने बहुत वक्त पहले ये तय कर लिया था कि वो ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई करने के बाद मुंबई का रुख किया और यहाँ पर उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। इसी दौरान माहिरा टीवी शोज में नजर आने लग गई। माहिरा को शुरुआती फेम टिकटॉक पर बनाई गई उनके वीडियोस के द्वारा मिला। उनकी टिकटॉक पर वीडियोस को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। बिग बॉस के घर में पारस छावड़ा के साथ उनकी नज़दीकियों की चर्चाएं भी होती रहती हैं। दोनों की दोस्ती पर अक्सर बातें की जाती हैं। तो आइए माहिरा के बारे में आपको कुछ बताते हैं दिलचस्प बातें। माहिरा शर्मा अभी महज 22 साल की हैं और वो 17 साल की उम्र से ही मॉडलिंग कर रही हैं। मॉडलिंग के साथ साथ उन्होंने कई सारी पंजाबी म्यूजिक एल्बम्स में काम किया। इससे ना सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा बल्कि एक एक्ट्रेस के तौर पर उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने का मौका मिला। साल 2018 में माहिरा को ALT बालाजी के शो नागिन 3 में काम करने का मौका मिला था। एकता कपूर के इस शो में माहिरा के किरदार को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि वो घर घर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इस कामयाबी के बाद बिग बॉस के घर में उनकी एंट्री हुई और यहाँ भी वो बेहतरीन तरीके से खेल रही हैं। माहिरा ने यारों का टशन नाम के शो से अपनी टीवी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई सारे कॉमेडी शोज़ में भी काम किया था, जिसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा और पार्टनर्स ट्रबल हो गई डबल जैसे शोज भी शामिल हैं, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी मिली नागिन 3 से। इतना ही नहीं, माहिरा ZTV के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य में भी नजर आ चुकी हैं, जहां पर उनकी एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। माहिरा ने कभी भी अपने रिलेशनशिप पर खुलकर बातें नहीं की, लेकिन सूत्रों की अगर मानी जाए तो वो अभिषेक शर्मा को डेट कर रही हैं। अभिषेक शर्मा ने फिल्म कहो ना प्यार में ऋतिक के भाई का रोल निभाया था। खैर, इन सब के बावजूद अभिषेक ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि हम अच्छे दोस्त हैं, मैंने और माहिरा ने यारों का टशन नाम के एक शो में काम किया था और उस समय हम एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे। हालांकि हम अब टच में नहीं हैं। मैं US में अपनी बहन के घर पर था और मैं अभी भारत वापस आया हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि माहिरा ने इस शो में हिस्सा लिया है। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि माहिरा को जब भी वक्त मिलता है तब वो डांस करना और म्यूज़िक सुनना बेहद ज़्यादा पसंद करती हैं। कुछ वक्त पहले सिंगर जस मानक के साथ उनका पंजाबी गाना लहंगा YouTube पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। और तो और, इस गाने में जस मानक और माहिरा की केमिस्ट्री उनके फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। वैसे माहिरा के चाहने वालों की तादाद अच्छी खासी है। बड़ी बात तो ये भी है कि इंस्टाग्राम पर उनके लाखों में फॉलोअर्स हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि माहिरा इसी तरह अपने प्रोजेक्ट्स में कामयाब होती रहें और भारतीय महिलाओं के लिए बड़ी इंस्पिरेशन बने। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे माहिरा को लेकर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताइए। ये थी माहिरा से जुड़ी कुछ बेहद ज़्यादा दिलचस्प बातें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल TV समाचार 24 के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।